अच्छी मदर बनेगी क्या? हाँ, बिल्कुल सही कहा। राउंड टू जी, बदलते जा रहे हैं। जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी तुम सुनोगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। से पहले मैं एक चीज रेकमेंड करूंगा, प्लीज हो सके इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ताकि आप इन मूवीज की कहानी, कॉन्सेप्ट, हर एक चीज को जानने के बाद ये डिसाइड कर सको आपके लिए इस लिस्ट के अंदर कौन सी मूवी अच्छी होगी। डोंट ब्रेथ पार्ट टू। हाँ, इस मूवी को देखने के लिए आपको इसका फर्स्ट पार्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इस मूवी के अंदर कहानी आपको देखने को मिल सकती है नॉरमैन की स्टोरी, जो की एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर होता है, लेकिन वो अपनी छोटी बेटी के साथ रहता है घर में। नॉरमैन और उसकी बेटी पुलिस की जिंदगी बहुत ज्यादा सही चल रही होती है, लेकिन ऐसे में उनकी लाइफ में एक बहुत ही गहरा ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि कुछ लोग नॉरमैन के घर में आ जाते हैं ताकि वो उसकी बेटी को किडनैप कर सके। अब इसमें नॉर्मन अपनी जी जान कोशिश कर देता है वो अंधा होने के बावजूद भी, ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके। अब वो लोग कौन है और क्यों उसकी बेटी को पाना चाहते हैं, इसकी भी एक मिस्ट्री कहानी है, जो कि आपको मूवी देखकर पता लग जाएगा। मूवी बहुत ज़रूर कमाल की है, और इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि सच में दिल के धड़कन रोक देती है। 2022 में रिलीज हुई एक हॉरर कॉमेडी मूवी से जिसका नाम है स्टूडियो 666। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कुछ लोगों के एक ग्रुप की, जिनका एक रॉक बैंड होता है जिसका नाम होता है फू फाइटर। और ये सारे लोग अपने एक नए एल्बम को कंप्लीट करने के लिए एक नए टाउन के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद इस ग्रुप में से एक जिसका नाम होता है डेव, वो एक आत्मा के कब्जे में आ जाता है, जिस वजह से बाकी के जो लोग होते हैं उस ग्रुप के, वे सारे मुसीबत में आ जाते हैं। और अब इन्हें कैसे भी इस एल्बम को भी पूरा करना होगा, साथ ही साथ डेव को भी बचाना होगा। अब ये सब किस तरह करते हैं वो देखना आपको इस मूवी के अंदर। काफी कमाल की हॉरर कॉमेडी मूवी है, और इस मूवी की IMDb रेटिंग्स है 5.7 आउट ऑफ 10। ये 2019 की बनी एक एक्शन और साइंस फिक्शन फिल्म जिसका नाम आयरन स्काई द कमिंग रेस। इस मूवी को IMDb की तरफ से 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी मूवी के अंदर जितनी भी चीजें देखने को मिलती है, एक्चुअली उन सभी चीजों को देखने में मजा आता है। कहानी की अगर बात करो तो इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिल सकती है हिटलर की एक न्यूक्लियर मिसाइल हमले के होने की वजह से अर्थ पे इंसान की तादाद बहुत बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इसी वजह से जितने भी लोग बच पाए हैं वो चांद की सरफेस के अंदर चले जाते हैं, ताकि वहां पर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। लेकिन ऐसे में मून की उस साइड के अंदर जितने भी लोग रह रहे होते हैं, उन सभी के ऊपर भी मुसीबत आने वाली है, और कुछ लोग सामने आते हैं उस मुसीबत को टालने के लिए। अब वो मुसीबत है क्या, इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल तरीके से जानने के लिए डेफिनेटली आपको इस मूवी को देखना चाहिए। वुल्व्स ऑफ वॉर, ये मूवी रिलीज हुई है 2022 में। यह एक वॉर एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा है, और एक ब्रिटिश ऑफिसर है जिसे कुछ कमांडोज की एक टीम के साथ ये मिशन दिया जाता है कि उसे इस खतरनाक माहौल के अंदर एक अमेरिकन साइंटिस्ट को बचाना होगा, जिसे कि कई सारे नाज़ीज ने होस्टेज बना रखा है। अब इस साइंटिस्ट को ये लोग बचा पाते हैं या नहीं, और इस दौरान इन लोगों को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, वो आपको मूवी के अंदर देखना है। मूवी की IMDb रेटिंग्स काफी कम है, 3.8 आउट ऑफ 10, लेकिन दोस्तों मूवी वन टाइम वॉच तो है, तो मूवी को एक बार ट्राई जरूर करना। मैन्स वाइफ बॉडीगार्ड, यह 2021 के बने एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जो कि 6.1 की IMDb रेटिंग के साथ। इस फिल्म के अंदर कहानी आपको देखने को मिल सकती है कि बॉडीगार्ड की स्टोरी, जो कि बहुत ही अमीर इंसानों को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, लेकिन सिर्फ एक हिटमैन की वजह से उसकी पूरी करियर की धज्जियां उड़ जाती है। लेकिन ऐसे में मूवी की कहानी में कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, जिसकी वजह से उसी हिटमैन की वाइफ सोनिया, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वो उसी बॉडीगार्ड से मदद लेती है, ताकि वो अपने हस्बैंड को कुछ लोगों से बचा सके। अब इसमें क्या वो बॉडीगार्ड इस काम को लेता है या फिर नहीं, इसके बारे में और भी ज्यादा डीपली तरीके से जानने के लिए डेफिनेट आपको इस मूवी को देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी के अंदर कमाल की कॉमेडी, कमाल के एक्शन और कुछ सीन्स तो ऐसे हैं जिन्हें देखकर आप हंसने लगोगे। नो एस्केप, मूवी रिलीज हुई है 2015 में। यह एक एक्शन थ्रिलर और सर्वाइवल मूवी है। कहानी की बात करें तो मूवी के अंदर हमें जैक डॉर नाम के एक आदमी की कहानी देखने को मिलती है, जो कि अपनी फैमिली के साथ साउथ ईस्ट एशिया के किसी देश के अंदर जाता है वहाँ पर घूमने फिरने के लिए। और अब जैक अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर इंजॉय कर ही रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि जिस देश के अंदर वह फिलहाल है वहाँ पर वॉर छिड़ चुकी है। ऐसे में जैक अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर सर्वाइव करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर कब तक जैक अपने आप को और अपनी फैमिली को बचा पाता है, और आखिर तक और क्या कुछ होता है, वो सब आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। काफी कमाल की एक्शन थ्रिलर सर्वाइवल मूवी है, तो मूवी को जरूर देखना। इस मूवी की IMDb रेटिंग्स है 6.7 आउट ऑफ 10। मॉन्स्टर मूवी जिसका नाम होता है वाटर मॉन्स्टर। मूवी के अंदर कहानी आपको देखने को मिल सकती है कि विलेज के अंदर एक क्रीचर आ जाता है, जो कि बहुत सारे लोगों को मार रहा होता है। ऐसे में सभी गांव वाले मिलकर कुछ बहुत सारे मॉन्स्टर हंटर को बुलाते हैं, ताकि वो उसी गांव के अंदर मौजूद उसी मॉन्स्टर को पकड़ सके। अब इसमें बहुत सारे मॉन्स्टर हंटर्स उस विलेज के अंदर आते हैं, ताकि वो उस क्रीचर को पकड़ सके, जो भी चीज है वो। लेकिन ऐसे में उनके सामने भी बहुत सारी मुसीबतें आती हैं,
कि वो लोग किस तरीके से उस क्रिएचर को पकड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इस मूवी की रेटिंग कम हो सकती है लेकिन मूवी देखने में एक्चुअली मजा आता है। ये एक चाइनीज फिल्म है जो कि आपको यूट्यूब पर बहुत ही हिंदी डबिंग के थ्रू देखने को मिल सकती है। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। और दोस्तों द थ्री मस्टिकर्स नाम से एक और मूवी 2011 में रिलीज हुई है और उसका लिंक भी मैं आपको इसी के साथ दे दूंगा। कहानी की बात करें तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि पेरिस के अंदर जाता है क्योंकि उसे वहां पर उन लोगों की तलाश है जिन्होंने उसके ऊपर पहले जानलेवा हमला किया था। अब ये बंदा उन अटैकर्स तक पहुंचने वाला होता है तब इसे पता चलता है वहां का राजा उसे अपने खास सैनिकों के अंदर शामिल करना चाहता है। ऐसे में आगे ये क्या करता है और इस दौरान क्या कुछ होता है वो सब आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। ये मूवी यूट्यूब पर तो अवेलेबल नहीं है लेकिन डाउनलोड करके इस मूवी को आप देख सकते हो। मूवी की IMDb रेटिंग्स है 7/10। मूवी को 2015 को रिलीज किया गया था वो भी 7/10 की रेटिंग के साथ। इस पिक्चर के अंदर कहानी आपको देखने को मिल सकती है, दुनिया भर में जितनी भी CIA एजेंट होते हैं उनकी असलियत पूरी दुनिया के सामने आ जाती है। इसी वजह से जितने भी गैंगस्टर्स या फिर जितने भी टेररिस्ट ग्रुप होते हैं वो सभी उन CIA एजेंट के बारे में जानते हैं। अब ऐसे में एक बहुत बड़ा मिशन सामने आता है, मतलब कि एकदम दुनिया बचाने वाली टाइप की। और इसी वजह से सुजन नाम की एक लड़की होती है जो कि उन सभी स्पाइस को गाइड करती है। लेकिन अब सुजन एक स्पाई बन जाती है ताकि वो उसे इम्पोर्टेंट केस को सॉल्व कर सके। अब यहाँ पर सुजन को पता है कि एक स्पाई किस तरीके से काम करता है, कैसे वो गेटअप चेंज करता है, किस तरीके से अपने मिशन के ऊपर फोकस करता है और इसी वजह से अब सुजन कैसे उस बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन को कैसे पूरा करती है, इसके एग्जैक्टली स्टोरी एक कॉमेडी तरीके से हम इस मूवी के अंदर देखने वाले हैं। कसम से गुरुवार इस मूवी को मिस मत कर लेना क्योंकि ये मूवी बहुत बहुत कमाल की है। एक्सीडेंटल स्पाई ये मूवी 2021 में माफ कीजिएगा 2001 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है बक नाम के एक स्पोर्ट्स सेल्समैन की जो कि एक दिन रातों रात काफी फेमस हो जाता है क्योंकि वह ज्वेलरी से भरी एक शॉप को चोरों से लुटने से बचा लेता है और यहां से वह काफी पॉपुलर हो जाता है। अब आगे चलकर हम देखते हैं कि एक डिटेक्टिव होता है जिसे एक केस को सोल्व करना है और इस काम में वह बक को हायर करता है। अब ये दोनों मिलकर उस डिटेक्टिव के केस को सोल्व कर पाते हैं या नहीं वो देखना आपको इस मूवी के अंदर। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.8/10। मैं जिसका नाम है मिसिंग। इस पिक्चर के अंदर कहानी आपको देखने को मिल सकती है जून नाम की एक लड़की की स्टोरी जिनकी मॉम उसकी बॉयफ्रेंड के साथ मतलब कि उसकी मॉम की बॉयफ्रेंड के साथ लॉस एंजलस के अंदर वेकेशन के लिए मनाने के लिए जाते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद जून को ये पता लगता है कि उसकी मॉम अचानक से कहीं पर मिसिंग या फिर गायब हो चुकी है। इसमें ये लड़की मतलब कि जून टेक्नोलॉजी या फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वो किस तरीके से अपनी मॉम को ढूंढती है, इसकी एग्जैक्टली स्टोरी को जानने के लिए आपको ये मूवी जरूर देखना चाहिए। मूवी की स्टोरी बहुत ज्यादा कमाल की है, इसकी स्क्रीन प्ले डायलॉग हर एक चीज बहुत कमाल की है। ओवरऑल मैं ये कहूंगा एक अच्छी फिल्म है मिस्ट्री थ्रिलर वाली तो इसे जरूर देखना। है ब्लेड्स ये मूवी 2011 में आई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें जेसन स्टेथम देखने को मिलने वाले हैं। इस मूवी के अंदर हमें डिटेक्टिव टॉम ब्रैंड को दिखाया जाता है जिसे एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर को पकड़ने का मिशन दिया जाता है। और ये सीरियल किलर कोई छोटा मोटा सीरियल किलर नहीं होता, ये पुलिस ऑफिसर्स को टारगेट करता है और उन्हें बेरहमी से मार देता है। अब ये डिटेक्टिव यानी कि टॉम निकल जाता है उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए लेकिन आगे चलकर उसे पता चलता है काफी सारे राजों के बारे में। तो दोस्तों आखिर उसे ऐसा क्या पता चलता है और पूरी कहानी क्या है वो आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1/10। क्या नाम है सुपर 8 जो कि साल 2011 की बने साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि 87/10 की IMDb रेटिंग के साथ। इस पिक्चर के अंदर कहानी आपको देखने को मिल सकती है कुछ बच्चे होते हैं मतलब कि टीनेजर से काफी छोटे होते हैं, ये सभी लोग मिलकर एक फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे में वो शूटिंग के लेकर ट्रेन या फिर रेलवे स्टेशन के अंदर जाते हैं लेकिन ऐसे में अचानक से उन सभी बच्चों के सामने एक बहुत बड़ी ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन उन सभी बच्चों को ये पता लग चुका था कि उस ट्रेन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चीज था जो कि एक्सीडेंट होने के बाद उस ट्रेन से भाग जाता है। और इसके बाद ही मूवी की कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं क्योंकि उसके बाद ही उनके शहर में बहुत सारे लोग अचानक से गायब होना शुरू हो चुके थे। अब इसमें ये सभी बच्चे तरीके से इस केस को सॉल्व करते हैं, इसकी ही एग्जैक्टली स्टोरी हम इस मूवी के अंदर देखने वाले हैं। लिस्ट नंबर 3 की फिल्म की कहानी आपके दिमाग से कुछ दिनों तक बाहर ही नहीं निकलेगी। इस मूवी का नाम है नो एस्केप। इस मूवी के अंदर कहानी आपको देखने को मिल सकती है जैक की स्टोरी मतलब कि जैक और उसकी पूरी परिवार की स्टोरी जो कि काम की वजह से वो लोग एशिया मतलब कि साउथ एशिया के अंदर आते हैं कुछ दिन रहने के लिए। अब वहाँ जैक और उसका परिवार आने के बाद जैक को ये पता लगता है कि साउथ एशिया के अंदर जो गवर्नमेंट था उनका सत्ता चेंज हो जाता है और इससे पब्लिक मतलब कि एक सिविल वॉर छिड़ जाती है। अब इससे आम इंसान और आर्मी वाले लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी जंग का ऐलान हो जाता है। ऐसे में जैक और उसका परिवार पूरी तरीके से उसी सिविल वॉर के अंदर फंस चुके हैं। अब इसमें जैक और उसका परिवार किस तरीके से उस सिविल वॉर के अंदर बच पाएंगे या फिर नहीं वो लोग किस तरीके से सर्वाइव करते हैं
इसकी एग्जैक्टली स्टोरी हम इस मूवी के अंदर देखने वाले हैं, जो कि ये मूवी आपको टेंशन में फेल देगी। निंजा असैसिन मूवी 2009 में रिलीज हुई एक एक्शन मार्शल आर्ट पर बेस्ड मूवी है। कहानी की बात करें तो मूवी के अंदर हमें एक निंजा को दिखाया जाता है जिसका नाम राइजो होता है, और इस निंजा को एक लड़की से प्यार होता है, यानी कि राइजो को एक लड़की से प्यार होता है, लेकिन राइजो का मास्टर ही उस लड़की को जान से खत्म कर देता है, और अब इसीलिए राइजो अपने मास्टर से उसका बदला लेने के लिए निकल जाता है, लेकिन ये काफी मुश्किल होता है। तो ये निंजा किस तरह से अपना रिवेंज लेता है वो देखना आपको मूवी के अंदर। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.3/10। इस मूवी का नाम है बैड बर्न। इस पिक्चर के अंदर कहानी आपको देखने को मिल सकती है टोरी और केल नाम के कपल की स्टोरी, जिन्हें एक स्पेसशिप से एक बच्चा मिलता है और वो लोग उसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन काफी सालों के बाद उन्हें ये पता लगता है कि उस बच्चे के पास सुपर पावर्स है, और वो सुपर पावर्स एग्जैक्टली सुपरमैन की तरह होता है, बल्कि सेम टू सेम पावर्स होते हैं, लेकिन ये बंदा जब उसे उसकी शक्तियों के बारे में पता लगता है तो वो इंसानों को अपनी खुशी के लिए मारता है। मूवी की एग्जैक्टली स्टोरी को जानने के लिए आप इस मूवी को टेलीग्राम से डाउनलोड करके देख सकते हो, जो कि हिंदी डब में है, और इस मूवी का लिंक आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। डिस्ट्रिक्ट 9 मूवी रिलीज हुई है 2009 में। यह एक साइंस फिक्शन मूवी है। कहानी की बात करें तो मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से कुछ स्पेसशिप आते हैं, जिनमें से कुछ एलियंस हमारी पृथ्वी पर आ जाते हैं और यहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। इस वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है क्योंकि एलियंस काफी खतरनाक होते हैं, लेकिन आगे चलकर हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट के एक एजेंट की वजह से ही ये एलियंस पृथ्वी पर आने को मजबूर हुए हैं। अब ऐसे में गवर्नमेंट को कैसे भी इन एलियंस की सिचुएशन को समझना होगा और इस मुसीबत से लोगों को बचाना होगा। आखिर गवर्नमेंट ये किस तरह से करती है, और इसके अलावा इस मूवी के अंदर और क्या कुछ होता है, वो आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। स्वीट टूथ ये 2021 के बने वेब सीरीज है, जिसको अभी तक 2 सीजन रिलीज हो चुकी है, लेकिन इस सीरीज की जो फर्स्ट एपिसोड है सीजन 1 की, इसे आप यूट्यूब पर देख सकते हो। कहानी की अगर बात करें तो कहानी आपको देखने को मिल सकती है ऐसी दुनिया की कहानी, जिसके अंदर एक पोस्ट एपोकलिप्स होने के बाद जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो हाइब्रिड होते हैं, मतलब कि आधे इंसान और आधे जानवर होते हैं। इससे आगे की स्टोरी मैं बता नहीं सकता, उसको जानने के लिए आप इस सीरीज को देख सकते हो, जिसकी फर्स्ट एपिसोड तो यूट्यूब पर है, लेकिन बाकी सभी एपिसोड के लिंक आपको टेलीग्राम पर या फिर टेलीग्राम से डाउनलोड करके देख सकते हो। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, इसके भी कोई पैसे नहीं लगते हैं। बर्ड बॉक्स बार्सिलोना ये मूवी 2023 में अभी रिसेंटली ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री साइंस फिक्शन मूवी है। दोस्तों इस मूवी का पहला पार्ट काफी पॉपुलर हुआ था, उसे काफी पसंद किया था ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर, और देखते हैं कि ये मूवी कितनी चलती है। कहानी की बात करें तो एक बार फिर से हमें कहानी देखने को मिलती है सेबेस्टियन की, जो कि इस बार होता है बार्सिलोना के अंदर, और इस बार हमें दिखाया जाता है कि ये जो वायरस है या वो जो खतरा है जिस वजह से लोग मर रहे हैं वो आखिर आया कैसे, और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि हमारे डाउट्स क्लियर कर देगा। अगर आप इस मूवी को देखने में इंटरेस्टेड हो तो मूवी को देख लेना। इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ अच्छी अच्छी मूवीज को आपके साथ शेयर करने की कोशिश किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर देना, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। मिलता हूं किसी एक नए वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय।